गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड कल की जो हैवी एनर्जी थी, वो हैवीनेस आप सबकी रिलीज भी होगी राइट? क्योंकि आज सुबह की एनर्जी बहुत फ्रेश है, जैसे कि कोई न्यू बिगनिंग हो रही है। एंड आज सुबह सुबह मुझे आप लोगों की बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं, जिसमें कुछ डिवाइन फेमिनेंस अपनी खुशियों को मेरे साथ शेयर कर रहे हैं कि मैम कल अचानक से मुझे वो अनब्लॉक कर दिया, हम दोनों के बीच एक अच्छी वाली कम्युनिकेशन भी हो गई एंड कुछ लोगों की मास्कलाइन का कॉल भी आ गया। ठीक है, तो मुझे लगा कि इस यूनियन एनर्जी को आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि आप लोगों की अंदर की हौसला ना टूटे। एंड कल जिन लोगों की यूनियन या फिर उनकी कम्युनिकेशन उनके पर्सन के साथ हुई है, वो सब बहुत सारे इनोवा कर कर के पूरा थक चुके थे, फिर भी उन्होंने अपना भरोसा को नहीं खोया है, ना ही अपना इनोवा को करना बीच में छोड़ा है। ठीक है, तो उनकी जो मेहनत है उसके रिजल्ट तो उनको मिलना ही था। ओके, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को यही बोलती आ रही हूँ कि अगर आपका पर्सन अभी पूरा साइलेंट है, आपको उनकी कोई भी एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही है, तो आपको डाउट नहीं करना है, ना ही इनोवा को बीच में छोड़ना है। क्योंकि देखिए, जब आप कंटिन्यूसली इनोवा को करते हैं और 90% कंप्लीट करते हैं, तो उसी टाइम डिवाइन आपका पेशेंस का टेस्ट लेता है, आपका इनोवा का टेस्ट लेता है। ठीक है, तो अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आपने जो भी इनोवा किया था उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बट अगर आप 90% इनोवा को कंप्लीट करने के बाद जब डिवाइन आपका टेस्ट लेता है, तो आप उसी टेस्ट में फेल हो जाते हो, मतलब आप इस जर्नी पर डाउट करने लगते हो, खुद की इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते हो और इनोवा को बीच में छोड़ देते हो, आप इस जर्नी से मूव ऑन करने का सोचते हो, तो आप खुद ही बताइए कि आपने इनोवा तो किया है बट उसे 100% कंप्लीट नहीं किया है। ओके, तो आपको उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा? आपको फिर से उसी इनोवा को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड जब आप आपकी 90% इनोवा को कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर से डिवाइन का टेस्ट आएगा। ओके, जिसमें आपको पास करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको आपकी रिजल्ट मिलेगा। ओके, आपकी लेवल अप होगी एंड आप दोनों की कम्युनिकेशन एंड यूनियन भी होगी। एंड आप लोगों के मन में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितना परसेंट इनोवा को कंप्लीट कर चुके हैं और कब हमारा डिवाइन टेस्ट आएगा। तो गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा कि एवरी मंथ 3 डिवाइनल इवेंट्स होता है। ठीक है, एक है फुल मून, एक है न्यू मून एंड एक है आपके पोर्टल, जो हर महीने आता है। ओके, तो जैसे ही कोई न्यू पोर्टल ओपन होता है या फिर फुल मून या फिर न्यू मून आता है, तो उसी टाइम ही आपका डिवाइनल टेस्ट होता है। ठीक है, उसी टाइम ही आपको बहुत सारे ट्रिगर्स मिलता है, आपको बहुत सारे पेन मिलता है, आपकी पर्जिंग होती है, क्योंकि इस टाइमिंग में डिवाइन आपकी टेस्ट ले रही होती है। तो जैसे ही आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं, तो आप एक न्यू एनर्जी में एंटर करते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस हायर डायमेंशन में शिफ्ट होता है और आपने जैसा इनोवा किए थे उसी हिसाब से आपको आपका रिजल्ट मिलता है। ठीक है, बट अगर आप इन सारे ट्रिगर से डर के भाग जाते हैं, इन सारे पेन को आप रिलीज नहीं करते हैं, आप उस डिवाइन पर गुस्सा हो जाते हैं और इस जर्नी से मूव ऑन करने का सोचते हैं, तो आप इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। ठीक है, और आपका यही टेस्ट डिवाइन फिर से लेता है जब कोई न्यू डिवाइनल इवेंट आता है। ओके, तो ऐसे ही आपका साइकिल चलता है। सो गाइस, इस बात को आपको समझना है और हमेशा उस डिवाइन पर और इस जर्नी पर 100% भरोसा रखना है, तभी जाके आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे और आपकी यूनियन आपकी ट्विन से 3D में जरूर होगी। ओके, एंड इसलिए ही आप दोनों को सेपरेशन में डाला जाता है, ताकि आप इस सेपरेशन के टाइम में ही अपना इनोवा को अच्छे से कर पाएँ और अपने आप को आवकन करके खुद को वो डिवाइन फेमिनिन बना पाएँ, जो डिवाइन फेमिनिन बनने के लिए आपको इस जर्नी में डिवाइन लाया है। ओके, तभी जाके आपका पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न आएगा। ओके, सो गाइस, डू योर इनोवा एंड बिलीव इन दिस जर्नी।